हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल ब्यूटी। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज के वीडियो में मैं आपके लिए, जैसे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज का वीडियो मेकअप वीडियो है। गाइस जो ड्रेस मैंने वेयर किया है, इस हिसाब से मैं आज स्मोकी लुक करने वाली हूँ। जो ये मेकअप मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आप कोई भी पार्टी में इसे कर सकते हो। और गाइस ये मेकअप बहुत ही चलन में है, और ये मेकअप जो बता रही हूँ मैं, ये टीनेजर को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो गाइज देखिए, मेरे फेस पे भी बहुत ज्यादा देखिए पिंपल्स हो गए थे। आज मेरे फेस पे कुछ भी लगाया नहीं है मैंने फेस पे, देखिए। तो ये पिंपल्स हो गए थे, तो अभी पूरा फेस मेरा क्लीन हो गया है, बस अभी दाग ही बचे हुए हैं। तो गाइज जो मैंने मैंने खुद के लिए DIY किया है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो वहां पे उसको एक बार टच कर लीजिए, और ऑल पे आप टच कर लीजिए, तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लूंगी, और सबसे पहले मैं क्लींजिंग कर लूँगी। गाइस जब भी आप मेकअप करते हो या फेस पे कुछ भी अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही मेकअप कीजिएगा। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ मेकअप के। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्लींजिंग मिल से अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। गाइस ये जो मैं मसाज कर रही हूँ, ये सिर्फ 2 या 3 मिनट ही करूँगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं करूँगी। तो देखिए, फेस क्लीन होने तक ही मैं पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो गाइस अभी देखिए, मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है, और अभी उसको अच्छे से पानी से भी क्लीन कर लूंगी। तो गाइस देखिए, मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए थे, तो इसके दाग रह गए थे, तो बस अभी उसी के DIY कर रही हूँ मैं। तो देखिए, मैंने फेस को अच्छे से पानी से भी फिर से पोंछ लिया है, धो लिया है। तो देखिए फेस, गाइस मेरे फेस पे तिल भी है, तो आपको मैं आगे शो करवाती हूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइजर लिया है, तो ये मॉइस्चराइजर गाइस ओरिफ्लेम का है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जो भी प्रोडक्ट मैं लगाऊंगी तो उसे 5-5 मिनट तक रहने दूंगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे मॉइस्चराइजर को, और देखिए ये तिल है गाइज मुझे यहाँ पे ऊपर पे, और एक और है। तो देखिए इस तरीके से मुझे तिल भी है, तो मैं फाउंडेशन से वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया, और 5 मिनट तक मैं वेट करूँगी गाइज। 5 मिनट होने के बाद मैं प्राइमर लगा लूंगी, ये सिलिकॉन बेस का प्राइमर है गाइज, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैं प्राइमर को अपने फेस पे पूरे अप्लाई कर लूंगी गाइज। प्राइमर लगाने से फेस बहुत ही अच्छा होता है, जो ओपन पोर्स है गाइज वो बंद हो जाते हैं, और इससे जो मेकअप जो होता है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत टाइम तक आपके मेकअप को रहने देता है। और गाइज इससे जो भी मेकअप आप करते हो, ये एकदम से स्मूदली होता है। तो गाइज आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप मेकअप करते हो तो सबसे पहले प्राइमर लगा ही लीजिएगा फाउंडेशन के पहले। तो मैं 5 मिनट तक वेट करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने अच्छे से वेट कर लिया है, और अभी मैं अपना HD कलर से इसका फाउंडेशन है गाइज ये, तो ये मैं अभी अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी गाइज। ये इसका कवरेज बहुत ही अच्छा है, HD कलर से इसका HD फाउंडेशन है ये, तो इसका कवरेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके गाइज जो भी आपका कलर शेड है, उस टाइप में आपको फाउंडेशन मिल जाएगा। मेरा लाइट शेड है, तो इस हिसाब से मैंने फाउंडेशन को लाइट शेड में, देखिए तो गाइज का कवरेज कितना अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए, पूरे फेस को इसने कवर कर लिया है, जो भी मुझे दाग थे, जो मेरे तिल वाले दाग थे, वो भी इससे कवर हो गए हैं, एंड पिंपल्स के दाग भी इससे पूरे कवर हो गए हैं। तो हाई कवरेज फाउंडेशन है गाइज ये, इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही पसंद आया है। अगर आप भी इसे लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ मार्केट से इसे ले लीजिएगा। ये फाउंडेशन मैंने कोई ऑनलाइन नहीं लिया है, ये फाउंडेशन मैंने नागपुर से पाठक की दुकान है वहाँ से परचेस किया है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है। एंड गाइज गले पे जो हमारा नेक होता है उसे भी नहीं भूलना है, तो गले पे भी मैं अभी फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। तो गाइज देखिए अभी मैं कंसीलर लगा लूँगी आई पे इस तरीके से, आईब्रोज को फाइन कर लूँगी इस तरीके से। देखिए किस तरीके से मैं आई मेकअप करने से पहले किस तरीके से कर रही हूँ, देखिए। गाइज इस तरीके से मेकअप करने से गाइज जो हमारा मेकअप लुक होता है वो बहुत ही उभर के आता है, एकदम हाईलाइट होता है। तो आप भी इसी तरीके से मेकअप कीजिएगा आई मेकअप के पहले, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा गाइज, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। गाइज जब भी आप मेकअप करते हो तो बहुत धीरे धीरे कीजिएगा, कोई भी हड़बड़ी ना कीजिएगा। कम से कम मेकअप को दो घंटे तो लगने ही चाहिए, इस हिसाब से मेकअप कीजिएगा। देखिए हेयर स्टाइल बना के पूरा हेयर स्टाइल लुक एंड साड़ी वाड़ी वेयर करके या ड्रेस जो वेयर करते हैं वो करके आपको 2 घंटा लगना चाहिए मेकअप के लिए। अगर आप पार्टी मेकअप करते हो तो या रिसेप्शन फंक्शन में वाला मेकअप करते हो तो आपको 2 घंटे लगना ही चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। एंड अभी सबसे पहले मैं आईब्रो को फाइन कर लूँगी, अच्छे से शेप दे दूँगी। गाइज लॉकडाउन के वजह से मेरी आईब्रो भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो देखिए इस तरीके से मैंने ये म्यूजिक फ्लावर का कलर जेल आईलाइनर है, तो देखिए इस तरीके से मैं पहले ब्राउन शेड लगा लूँगी। गाइज जब भी आप मेकअप करते हो तो स्टार्टिंग वाला जो थ्रेडिंग का पोर्शन होता है तो वहाँ पे ब्राउन कलर ही लगाइएगा। अगर आप ब्लैक कलर लगाते हो तो वो एकदम नेचुरल नहीं दिखता है, तो आपको आईब्रो फिल करते वक्त ब्राउन कलर ही लगाना चाहिए स्टार्टिंग में, एंड लास्ट में ब्लैक कलर से उसे फिनिश लुक देना चाहिए इस तरीके से। देखिए गाइज आई मेकअप करते वक्त जब भी आप आई मेकअप करते हो, अगर आपको आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं करने आता है तो आप पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये एकदम बिगनर्स के लिए हैं। गाइज मेरी आंखें थोड़ी स्वेलिंग थी आंखों में, थोड़ी आंखें सूज सी गई थी गाइज, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इतने में ख़राब थी, तो मैंने कोविड टेस्ट भी करवाया है, 2-3 दिन के बाद रिजल्ट देखिए क्या आता है। तो गाइज देखिए अभी मैं आई मेकअप कर रही हूँ तो ब्लैक कलर से मैं स्मोकी लुक कर रही हूँ। देखिए ब्लैक कलर से मैं पूरे आईज़ को ब्लैक कलर अप्लाई कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। एंड गाइस मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हो तो उसे ब्लेंड किया कीजिएगा, तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड भी कर दूँगी एंड ब्लैक कलर इसे मैं लगा लूँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी आपको शो हो रहा होगा, एक आँख मेरी सूज गई है, एक आँख में मेरे स्वेलिंग है, तो गाइज मेरी तबीयत भी इस वक्त थोड़ी ठीक नहीं थी तो इस वजह से। और गाइज हम लोग यूट्यूबर हैं तो हमें रोज़ के वीडियोस डालना होता है, वीडियोस नहीं डालते हैं तो थोड़ा टेंशन आ जाता है। तो गाइज हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज मैं अपनी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या रिपोर्ट में आया है, आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि कोविड पॉजिटिव ना हो। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर लूँगी, देखिए थोड़ा शिमर शेड में था गाइज, इस पैलेट का जो कलर था थोड़ा शिमर शेड में था, तो देखिए मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड करके लगा लूँगी। तो देखिए दोनों आँखों में मैं अपने शिमर कलर थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, तो देखिए सेकेंड आईज में भी मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। गाइज जब भी आप आई मेकअप करते हो तो थोड़ा स्लो स्लो ही कीजिएगा, मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है, अगर मैं स्लो मोशन में दिखाती हूँ तो गाइज बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए देखिए इस तरीके से। और देखिए अभी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, जो मैंने लाइन वहाँ क्रिएट किया था उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो वहाँ पे दिखेगा नहीं कि मैंने वहाँ पे कुछ लाइन क्रिएट किया था। तो देखिए गाइज अगर आपको आई मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये एक ट्रिक है, आप इस तरीके से आई मेकअप कर सकते हो। तो देखिए अभी मैं काजल लगा लूँगी,
गाइज आप किस तरीके से वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसी तरीके के वीडियो प्रोवाइड करूंगी। गाइज प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए है। तो देखिए मैं अभी लाइनर लगा लूंगी, आई लाइनर। तो गाइज जब भी आप लाइनर लगाते हो तो प्लीज बीच से ही लगाइएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आई लाइनर को क्रिएट कर लिया है। देखिए इस तरीके से, अभी देखिए मैं अच्छे से वहां पे लाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो अभी लैशेस भी लगा लेंगे। गाइज लैशेस मैंने कैसे लगाया है मैंने नहीं दिखाया है, इसको मैंने स्किप किया है, क्योंकि गाइज लैशेस कैसे लगाते हैं इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको लैशेस कैसे लगाना है वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को चेक कर लीजिएगा, तो आपको वीडियोज़ दिख जाएंगे। तो देखिए अभी मैं फिर से लाइनर आई लैशेस लगाने के बाद फिर से लाइनर को अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। गाइज अभी कोविड का दौर है, कोरोना का दौर है, तो प्लीज़ आप घर पे ही रहिए, सेफ रहिए और घर पे ही मेकअप सीखिए। तो अभी मैं मस्कारा भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप फाइनली कंप्लीट हो गया है, एंड जो भी मेकअप मेरा आई के नीचे जो गिर गया है उसे मैं अच्छे से कंसील कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। एंड इससे गाइज थोड़ा हाईलाइट भी हो जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा। गाइज देखिए इस तरीके से, और उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, देखिए इस तरीके से। गाइज अगर आप इस तरीके से मेकअप करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही सुंदर दिखेगा एंड बहुत टाइम तक टिका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने फेस को अच्छे से मेकअप कर लिया है, और अभी मैं लूज पाउडर लगा लूँगी। ये MN का लूज पाउडर है गाइज, ये मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैंने परचेस किया था बहुत दिन पहले, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा शिमरी लुक आता है इससे। तो देखिए मैं अपने ब्रश से इसे अच्छे से सेट कर लूंगी मेकअप को। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं कॉन्टोर भी कर लूंगी अच्छे से, एकदम सिंपल तरीके से मैंने कॉन्ट्यूरिंग की है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं लगाया है कॉन्ट्यूर को। तो देखिए इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड फेस को भी हाईलाइट कर लूँगी गाइस, पहले कॉन्ट्यूर कर लूँगी एंड बाद में फेस को हाईलाइट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने कॉन्ट्यूर भी कर लिया है, एंड अभी मैं हाईलाइट कर लूँगी आईब्रोज को। तो देखिए इस तरीके से आप गाइस पहले लुक देखिए एंड बाद का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैं आईब्रोज को भी हाईलाइट कर लूंगी, इधर वाली को भी। देखिए गाइस हाईलाइट करने से लुक बहुत अच्छा आता है, तो आप भी इसी तरीके से आईब्रोज को हाईलाइट कर लिया कीजिए, या जो एरिया आपको हाईलाइट करना है चिक्स के ऊपर आप हाईलाइट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से फैन ब्रश से मैं अपने फेस को हाईलाइट कर ले रही हूँ तरीके से। गाइज नोज को मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया है, एक्चुअली मेरी नोज ऑलरेडी अच्छी खासी है, लंबी है, तो मैं नोज को हाईलाइट नहीं करूंगी। तो अभी मैं गाइज लिपस्टिक लगा लूंगी, तो सबसे पहले लाइनर से मैं अपने लिप्स को अच्छे से क्रिएट कर लूंगी। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे भी मैंने स्लो से ही किया है गाइज, अगर आप स्लो से देखोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोशन में किया है। देखिए इस तरीके से आपको पहले लाइन क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए, गौर कीजिए, मेरी आँख थोड़ी सी सूजी हुई है। तो गाइज मैं भी अपने सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से
अपने लिप्स को क्रिएट कर लिया है मैंने, एंड अभी वहाँ पे मैंने लाइनर से ही उसे अच्छे से लगा लिया है, एंड ऊपर से उसमें मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ इस तरीके से। ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है गाइस, मैट की है। तो फाइनल लुक मेरा कंप्लीट हो गया है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं हेयर स्टाइल डालूंगी, उसके बाद आप पूरा फुल लुक देख सकते हो। तो देखिए मैं इयर रिंग पहन लूँगी एंड अभी मैं हेयर स्टाइल कर लूँगी। गाइस मैंने स्मोकी लुक किया है, तो अक्सर स्मोकी लुक में हेयर स्टाइल ओपन ही रखती हूँ, और बहुत ओपन ही हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। मैंने बालों को पहले ही स्ट्रेट कर लिया था, तो देखिए इस तरीके से, एंड बालों को मैं अभी ओपन ही रखूँगी। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से गाइस हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर मेरे वीडियो से आपको सीख मिलती होगी तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, मेरा मेकअप कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइज इसी तरीके से अगर आप मेकअप करते रहोगे तो आपको भी मेकअप आ जाएंगे। एंड गाइज आप किस तरीके से वीडियोस चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब के आपको एक बटन दिख रही होगी रेड बटन, उसको ग्रे करना है, एंड वहाँ पे एक ऑल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइज जो भी मैं वीडियोज डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेंगी। तो गाइज जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।